हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सभी बच्चों का स्वागत है। चल रही है क्लास एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन चल रहा है। ओके, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर क्लास 11th जेई मेंस को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है लेक्चर नंबर 11 पे। ओके, तो ये लेक्चर नंबर 11 हम शूट करने जा रहे हैं बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 71 तक हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 72 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 72। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। वन वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है, लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है थीटा की, जो सेटिस्फाई करती है इसको। ओके, किसकी वैल्यू थीटा की जो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करती है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करती है। ओके, चलिए अब बच्चों एक चीज़ देख लो यार, है ना, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। तो अगर मैं ये बना लूँ 0 और ये मैं बना लूँ 2 पाई। ओके, तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। अब आप तो ये सब जानते हो कि अगर थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो बच्चों साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो +1 से लेकर -1 तक होता है, क्योंकि साइन थीटा 0 से 2 पाई में इसका एक चक्कर का बनता है, इसका 1 रेवोल्यूशन होता है साइन फंक्शन का, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 आती है और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है -1। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है sin^4θ - 2 sin²θ - 1। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप कहोगे कैसे सॉल्व कर लिया, तो बेटा इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो। इसको आप लिख सकते हो sin²θ² - 2 sin²θ और -1=0। अब एक काम करो, ये जो साइन स्क्वायर थीटा ना, इसको आप x मान लो, तो ये क्या बन गया x²-2x - 1=0। और आपने लगा दिया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा देख लो, मैं लगाता हूँ आपके साथ में x=-b, मतलब माइनस माइनस हो गया +2 + √±b² - 4ac। तो भैया b का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 4ac - 1, और ये तो कितना हो गया +4/2 × 1, बोले तो कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 2 + −√2। देखो 4 और 4 कितना हो गया 8, और 8 का रूट कितना आएगा 2√2/2 हो गया। क्लियर हुआ, 2 कॉमन ले लो भाई साहब, तो आपके पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास में, 2 कॉमन हो गया ऊपर से, तो 1 + −√2 1 + −√2। अब देखो भाई x क्या था, x था साइन स्क्वायर थीटा। जरा सोचो कि 1 + −√2 क्या साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, कभी नहीं, ये साइन थीटा है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ग्राफ में क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में। यदि मैं यहीं पर साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ इसके ऊपर बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये इस तरीके से ग्राफ आएगा, क्यों, क्योंकि भैया -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, तो जब आप साइन का स्क्वायर करोगे तो जो माइनस आ रहा था वो ऊपर चला गया। तो मतलब मेरे बच्चों कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बट ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 + −√2, मतलब यदि आप प्लस लेते हो तो लियो भाई कमाल की बात, 1 + √2, और अगर माइनस लेते हो तो 1 - √2। अरे 1 + √2 तो 1 से ज़्यादा है, और 1 - √2 निगेटिव है, और साइन स्क्वायर थीटा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा था कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ये आ रहा है और ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73, इफ cosec x इक्वल्स टू 1 + cot x देन x इक्वल टू 2n π प्लस x = 2n π + π/2। तो पहले क्वेश्चन को देखो, पहली नज़र में कह रहा है क्या ये जनरल सोल्यूशन है, क्या इसका जनरल सोल्यूशन है, पूछ रहा है कि क्या ये सही है कि गलत है।
तो बच्चों हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक को मैं क्या बदल लूँ, साइन और कॉस में बदल लूँ। अच्छा देखो, मेरे को साफ यहाँ से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कॉस इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन होता है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉस की टर्म में या साइन की टर्म में हमको बनाना पड़ेगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कॉस एक्स को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन एक्स, फिर 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले लिया, ये आ गया ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप क्या करो, आप इसको इधर जान दो, ठीक है ना, इसको इधर जान दो। मैं थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो आप यहाँ से इसको इधर जान दो, तो ये हो गया कितना, साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, ओके। देखिए अब यहाँ से आपके पास में साइन एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना, 0, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद में अब देखो जैसे इन लोगों ने क्या कर दिया है, इन लोगों ने यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर दिया। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, अगर कहीं पर तुम्हारे पास लिखा है 1 अपॉन एक्स और कहीं पर लिखा है 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, और आप अगर x से x कैंसिल कर रहे हो, तो याद रखना कि ये वाली चीज़ कभी जीरो नहीं होगी। अगर आप कैंसिल कर रहे हो मतलब ये वाली चीज़ कभी जीरो नहीं होगी, मतलब ये तब होता है जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, समझ रहे हो ना, ये तब कैंसिल होता है जब ये x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल होगी तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे क्या कलाकारी हुई, चमत्कार क्या हुआ है, देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर दिया, कर दिया कि नहीं किया, कर दिया ना, साइन एक्स से साइन एक्स क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो भाई साहब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब ये चीज़ पक्की है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि नीचे की चीज़ कैंसिल हो रही है। और वैसे भी आप देख लो, वैसे भी आप देख लो यहाँ पे कॉस कॉसेक एक्स है, यहाँ पे क्या कॉट एक्स है, और कॉसेक एक्स जो होता है एक्स इक्वल टू जीरो पे कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी में सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप अगर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप इसको यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या करना है, अब देखो ये 1 हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो फार्मूला अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था, अब वो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है। स्ट्रक्चर आप याद करो, ये देखिए बच्चों मैं जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था एक्चुअली वो फॉर्मेट ये है, ठीक है ना, वो फॉर्मेट ये है। मैं इसको आपके साथ लेके चलता हूँ थोड़ा साइड में, और इसको मैं सॉल्व कराऊँगा। मैं इसकी बात कर रहा था, ये आपके सामने आ चुका है फॉर्मेट, ओके। ये देखिए क्या लिखा है, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आपके पास में, क्या क्वेश्चन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना, सी। तो बच्चों करना क्या, आपको इन ए और बी को छांट करके दोनों तरफ आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिवाइड करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आपके पास क्या बन जाएगा, देखो जरा इसको एडजस्ट करो, ये बन गया ए कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब इसको थोड़ा अलग कर लो, ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन गया ना ये। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे बनेगा, जैसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। जैसे मैं मान लो इसको लिख लेता हूँ साइन ए कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बेटा एग्जैक्ट फॉर्म इसकी बनेगी,
बोलिए, ठीक है ना, ऐसी कुछ फॉर्म बनेगी। अब मैं सीधे उस क्वेश्चन पे ले चलता हूँ जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो कहाँ पर अटके थे हम लोग, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन पर हम लोग अटके थे। आ जाओ भाई, जहाँ पर अटके थे वहीं से उठेंगे। तो हम कहाँ पर अटके थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन पे। तो ध्यान से देखो, इसका कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, वन है, इसका भी कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, वन है, मतलब ए और बी क्या है, वन वन है ना। तो मैंने क्या कहा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ का डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ भी अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड कर दिया, अच्छी बात है। क्या हो गया देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई रूट टू इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। अब इसको ब्रेक कर दो आप बच्चों, साइन एक्स इन टू वन अपॉन रूट टू प्लस कॉस एक्स इन टू वन अपॉन रूट टू इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। बताओ नहीं कर सकते क्या, बेशक कर सकते हो ना। तो क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब मैं फॉर्मूला यदि लिखूं यहाँ पे, तो ये साइन एक्स है और कॉस पाई बाई फोर है, क्योंकि कॉस 45 कितना होता है, वन अपॉन रूट टू प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर हुआ ना, इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन रूट टू, इक्वल टू कितना हो गया, वन अपॉन रूट टू। ये किसके टर्म में बन गया, साइन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, आप जानते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू वन अपॉन कितना हो गया, रूट टू। एक बात, दूसरी बात करता हूँ, देखो एक और बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो मैं इसको दोनों को, मैं इसको फॉर्मूले में लाता हूँ, कॉस ए प्लस बी में, सॉरी कॉस ए माइनस बी में। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर आपको याद नहीं तो देख लो अपनी बुकलेट में, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यदि मैं यहाँ से कॉस को लाने की कोशिश करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये है साइन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर। ध्यान से देख लो, बन गया ना फॉर्मूला ही वाला, आगे पीछे ही तो है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यदि मैं इसको लिखूंगा तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर, जिसे मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर, सॉरी माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर। फॉर्मूला देखो कॉस ए माइनस बी का होता है इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, इक्वल टू कितना, वन अपॉन रूट टू। बहुत बढ़िया। तो भैया ये दो परिस्थितियाँ बन रही हैं, अगर साइन के फेवर की बात करोगे तो ये जाएगा, और अगर कॉस के फेवर की बात करोगे तो ये जाएगा। जरा देखते हैं, ये देखिए, तो हम कॉस में लेके आए हैं, और लाना भी था, क्यों लेके आना था, क्योंकि जो आपको प्रूफ दैट दिया गया ना वो कॉस वाली बात कर रहा है। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो कॉस का सोल्यूशन होता है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, वो कितना होता है, एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये कॉस की छवि दिखा रहा हमको, दिखा रहा कि नहीं दिखा रहा, तो कहीं ना कहीं हमको इसको कॉस में लेके आना था बच्चों। तो मैं कॉस में लेके आ रहा हूँ, तो कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर कहाँ से बना दिया, ये देखो यहाँ से बना दिया। लियो एक लाइन और आपके लिए, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, क्या बोलते हैं बेटा, कॉस पाई बाई फोर। अब आपको याद होगा कि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना जी। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक्स माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस लेने पर देखिए क्या हल होते हैं। तो एक्स प्लस लेने पर देखिए x माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू टू एन पाई, कितना हो गया, टू एन पाई और प्लस पाई बाई फोर। देखिए ना ये प्लस है ना, टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर। तो बच्चों x इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर और प्लस पाई बाई फोर, यानी x इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई फोर 45 और 45 कितना होता है, 90 डिग्री।
तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस लेने पर देखिए 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो देखो एक सोल्यूशन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 है कि नहीं है, बेशक है, तो भैया हाँ ये वाली बात सही है, बट दूसरा एक और मांग रहा है x इक्वल टू 2n पाई, तो एक ही उम्मीद है कि हम माइनस लेके देख लें, देखे देखे माइनस, तो माइनस लेके देखते हैं तो क्या आएगा, देखिए x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2n पाई आ गया, तो वाकई में ये भी सोल्यूशन मैच कर रहा है, एक प्लस में आया है और एक माइनस में आया है और दोनों ही हमारे सोल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध हैं, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये NDA लेवल का बढ़िया सा क्वेश्चन है, आई बात समझ में ना, चलिए इसको नोट कर डालिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, क्या कह रहा है, टेन थीटा प्लस टू टेन, टेन टू थीटा इक्वल टू थ्री, टेन थीटा टू थीटा इक्वल टू रूट थ्री है, तो कह रहा है कि थीटा इक्वल टू इतना, मतलब भाई साहब ये जो सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा, पहले इसको संभालना है अपन को, कैसे संभालेंगे आ जाओ भाई, देखो इसको लिख लिया, इसके बाद ये वाली पार्टी को इधर भेज दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर भेज दिया ये वाली पार्टी को, बोलिए हाँ, रूट थ्री कॉमन ले लिया, वन माइनस टेन थीटा, टेन टू थीटा आ गया, अब क्या था इसको, इसके नीचे आ गया, रूट थ्री इक्वल पड़ गया, और टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन ई बन गया, टेन ए प्लस बी की स्ट्रक्चर इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, ठीक है बहुत बढ़िया, टेन थ्री थीटा इक्वल टू इतना, तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे पाई बाई थ्री, तो आंसर कितना है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या है, ट्रू है, फुल टू NDA लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से, खुद से करो इसको, कोशिश करो। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं बोलूँगा हॉट्स, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, कुछ अलग से सोच दिखानी है आपको इस क्वेश्चन में, देखिए थिंकिंग प्रोसेस के लिए हिंट भी दी रखी है यहाँ पे, कैसे करना है, देखो 10 पाई ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा, देन आपको बताना है कि कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होता है, ट्रू है या फॉल्स है, मतलब स्ट्रक्चर आपके पास 10 में है, ये कॉट में है, और पूरी कहानी को किस में लेकर के आना है, कॉस में, मतलब बात 10 और कॉट की चल रही थी, तो आपको पता है कि कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, नहीं बेटा आप कॉस और साइन में मत ले जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके पहले आप साइन और कॉस में ले जाएंगे तो कुछ आगे हो ही नहीं पाएगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए 10 पाई कॉस थीटा, लेफ्ट वाले को तो सही है, राइट वाले को मैंने लिख दिया कॉट थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा के 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब 10 से 10 मैंने एलिमिनेट कर दिया है ना, तो पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा, पाई साइन थीटा को लेफ्ट में ले आइए तो पाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, पाई से पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दो क्योंकि कांस्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, अभी मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी सॉल्व कराया था, तो ए वहाँ पे कितना 1 है, बी भी कितना यहाँ पे 1 है, तो 1 बाई रूट 2 का पूरे में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1 बाई रूट 2 साइन थीटा, मतलब रूट 2 का डिवाइड कर दिया, आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अभी मैंने ट्रिक बताई थी आप लोग को, प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला क्या बनाएंगे अपन, कॉस ए माइनस बी वाला, तो इसको क्या लिखूंगा, कॉस पाई बाई 4 कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन पाई बाई 4 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, ये क्या बन गया, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना है, इधर पे 1 बाई 2 है, सॉरी इधर पे 1 बाई रूट 2 आ गया ना, इधर पे ऑलरेडी 1 बाई 2 था तो 1 बाई 2 रूट 2 बन गया, ओके कितना आ गया 1 बाई 2 रूट 2, क्योंकि इधर पे क्या था, इधर पे 1 बाई 2 था तो हमने डिवाइड कर दिया था ना रूट 2 का, तो इधर भी 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, इधर भी 1 बाई 2 रूट 2 हो गया, तो इधर भी कितना बन गया 1 अपॉन 2 रूट 2, तो आंसर आ चुका है हमारा कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए अगला तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगला आपको क्या कह रहा है कि मैच करना फॉर्मूला, तो साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, आपको पता है क्या होता है ये डी वाला होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, अगला फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई मैंने कराया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉट टेन ए प्लस बी, तो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा यदि आप करोगे तो ये आ जाएगा है ना, देख लो 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा, तो 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, और कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस, या कॉट ए प्लस कॉट बी, या कॉट बी प्लस कॉट ए,
तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस वन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया कॉट थीटा माइनस वन, मतलब माइनस वन प्लस कॉट थीटा और माइनस वन वन प्लस कॉट थीटा। तो यदि आप कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा और नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा। तो ये तीन तो ईजी हैं, ये वाला जो पार्ट है आप इसको ज़रूर अपनी कॉपी में कर लीजिए, कॉट पाई बाई फोर प्लस थीटा आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए सो ओके गाइज, यहाँ पर हमने टोटल 76 जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे एमसीक्यू के साथ साथ आपका ट्रू फॉल्स हो गया और आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसके आगे जो है सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम आ चुके हैं सॉल्व वाला पार्ट जो है आपका बुक जो है एग्जाम्पलर की, उसके सॉल्व वाले पोर्शन में आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे जो करने वाले हैं हम, देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन अगेंस्ट ईच ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम 15 to 19। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन। टेन थीटा इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री है तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए कि टेन थीटा की वैल्यू अगर माइनस फोर बाई थ्री है तो साइन थीटा क्या हो सकता है। देखो भाई साहब, टेन थीटा नेगेटिव है तो टेन थीटा नेगेटिव है किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है, सेकेंड में टेन नेगेटिव होता है और फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है। ओके, अब साइन जो होता है सेकेंड में पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा यहाँ पे कितना होगा और साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो बताइए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। चलिए करिए एक बार, देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री, मतलब परपेंडिकुलर फोर है और बेस आपका थ्री है, परपेंडिकुलर फोर है और बेस आपका कितना है थ्री है। तो हाइपोटेनस देख लो भाई साहब, यदि इसको मैं परपेंडिकुलर फोर ले लूँ बेस थ्री ले लूँ तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा फाइव। अब साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी फोर अपॉन फाइव, तो इसमें आंसर कितना आएगा फोर अपॉन फाइव, और इसमें क्या जाएगा नेगेटिव होता है तो आंसर कितना आएगा माइनस फोर बाई फाइव। तो कह रहा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आंसर है फोर बाई फाइव एंड माइनस फोर बाई फाइव। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। जब साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि टेन की वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव थी और टेन की वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव थी, तो टेन जो अपन को दिया गया है ना माइनस थ्री बाई फोर की माइनस फोर बाई थ्री, हाँ माइनस फोर बाई थ्री, तो टेन का नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर सपोर्ट करेगा, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, बट इस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा नेगेटिव, तो एक वैल्यू होगी इसकी माइनस फोर बाई फाइव और दूसरी वैल्यू होगी प्लस फोर बाई फाइव। ओके, तो आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका बी आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन ए बी आर सेटिस्फाई द रिलेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूट हैं तो बताओ कि ए बी सी, मतलब ए बी मतलब एक कोफिशियंट में कौन सी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। चलिए आपको दिए मैंने दो मिनट, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जेई लेवल का, इसको कैसे करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा रूट दिए बेटा, और आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में आंसर में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है, मतलब आपको इनके कोफिशियंट में रिलेशनशिप बनानी है ना। आ जाओ करते हैं, क्या दिया इक्वेशन अपने पास, अपने पास इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का कितना सी। तो आपको पता है इसके रूट्स क्या दिए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको पता है रूट का सम कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो बेटा बी यहाँ पे कितना, माइनस बी है तो यहाँ पे ए, और यहाँ पे रूट कितना है, रूट है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन ए। बहुत बढ़िया। अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, सी अपॉन ए, तो यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी बाई ए, हो गया ना बेटा। अब एक काम करो, यस थैंक यू बेटा, यहाँ पे बी अपॉन ए आएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, या अब हमको देखो ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको नंबर वन दे दो, इसको नंबर टू दे दो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नंबर को स्क्वायर करता हूँ, ये फर्स्ट वाले को स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया, तो ये कितना हो गया बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको पूरा ओपन कर दो तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कितना होता है, वन होता है, और प्लस टू ये कितना दिया आपको, ध्यान से देखो, ये दिया आपको कितना,
देखिए साइन तो थीटा होता, मगर आपको क्वेश्चन को थीटा में नहीं ले जाना है, क्वेश्चन को आपको ए बी सी में लाना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सी अपॉन ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए प्लस टू सी, ओके, इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास में ए प्लस टू सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ए बच गया, मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू कितना बी स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट करके मैं लिखता हूँ, आंसर से मैच कराऊंगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू कितना जीरो, तो यही ऑप्शन मैच कर लो, देख लो कहाँ पे ये ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। आ गया समझ में ना, तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ओके, कई बार एनडीए में पूछा गया है, ओके, और जेई में भी एक दो बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, बेटा कुछ नहीं करना है, टू का नीचे डिवाइड और टू का ऊपर मल्टीप्लाई, क्लियर है ना, और ये वैल्यू बन गई साइन टू एक्स, तो मतलब ये हो गया कितना साइन टू एक्स अपॉन में कितना टू। अब आपको पता है कि साइन टू एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन टू प्लस वन, तो अपॉन टू कर दिया है, तो मतलब माइनस वन बाई टू से लेके कितनी प्लस वन बाई टू, क्योंकि नीचे टू बैठा था दोनों में टू आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी प्लस वन बाई टू, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका डी ऑप्शन, इसका क्या होगा करेक्ट होगा, एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इजी क्वेश्चन, ओके। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बहुत गजब की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन कई बार जेई और एनडीए में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लिखा देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है ना, तो इसका आंसर नोट कर लो 1 अपॉन 4 साइन 3 थीटा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 1 अपॉन 4 साइन 3 थीटा, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये आपके पास लिखा है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दो दो की पेयर बनानी पड़ेगी, फिर 2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब मैंने इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उससे इसको कोशिश करेंगे करने की, तो आप करना क्या है, देखो सबसे पहले साइन 60 को आप किनारे ले लो, ठीक है ना, साइन 60 को आपने क्या ले लिया किनारे, क्यों ले लिया, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू आपको पता है। अब इसके बाद आप एक काम करो, यहाँ पे साइन 20 लिखो, यहाँ पे साइन 40 लिखो, और आपको पता है एक फॉर्मूला कि साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ लिख देता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, वेरी गुड, साइन थीटा होता है, तो उल्टे तरीके से देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 80 कितना हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा साइन 180 माइनस 80, है ना, 180 माइनस 80 साइन 18, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 180 माइनस 80 हो जाएगा, यस ऑर नो, ठीक है, तो मतलब ये फार्मूला रिवर्स कर दिया अपन ने, ओके बच्चों ये आ गया, तो देखो भाई कितना हो गया साइन 60 तो बाहर बैठा ही हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ से, साइन 60 बाहर बैठा हुआ है, ये हो गया कितना साइन 20, ये कितना है साइन 40, और ये कितना है, ये है साइन 100, ये कितना है साइन 100। अब चलो देखो साइन 60 की वैल्यू साइन 60, ठीक है, अब मेरी वाली ट्रिक लगाओ जो मैंने आपको बताया, साइन 20 साइन 40, तो मैंने इसको मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा, क्या आप साइन 20 को साइन 60 माइनस 40 नहीं लिख सकते हो, बेशक लिख सकते हो, तो साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, क्या आप 100 को 60 प्लस 40 लिख सकते हो ना, बेशक लिख सकते हो साइन 60 प्लस थीटा, यस और नो, हाँ, तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया साइन 60, अब इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, और फॉर्मूला क्या हुआ करता है 1 अपॉन 4 साइन 3 थीटा, यही होता है ना, तो मैंने कहा 1 अपॉन 4
साइन थ्री थीटा, तो थ्री इंटू थीटा की जगह कौन बैठा बोलिए, 40 बैठा हुआ है। ओके, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन बाई फोर, एंड साइन 120 हो गया, 40 गुणे तीन कितना हो गया 120, तो साइन 120 की वैल्यू निकाल लो भाई साहब, तो साइन 120 कितना होगा 180 माइनस का कितना 60 इक्वल टू साइन 60 हो गया, कितना हो गया साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू, यस और नो, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया 3, और 4 दो 8 और 8 दो 16, तो आंसर कितना हुआ इसका 3/16, देखता हूँ ऑप्शन में है कि नहीं है 3/16, ये देखो ऑप्शन नंबर सी बैठा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3/16, है ना, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था और इस ट्रिक से हमने कितना बढ़िया कर लिया। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए ट्रिक लिख रहा हूँ बच्चों, क्या होती है ट्रिक, साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, अगर इस पैटर्न का कहीं भी आपको क्वेश्चन दिख जाए तो इसका आंसर होता है 1/4, ऊपर कितना साइन 3 है, 1/4 साइन 3 है, ठीक है ना। अब भाई रही बात इसको करने की सॉल्व, तो देखो इसको करने के लिए भाई क्या किया गया है, देखो इतनी बड़ी कहानी करी गई है, साइन 60 की वैल्यू तो रूट 3/2 कर ली, देन इसके बाद ये देखो साइन 20 और साइन 40 और साइन 60 को वैल्यू तोड़ दिया, है ना, साइन 60 प्लस 20 साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लग गया है, इसको ब्रेक कर दिया और माइनस साइन स्क्वायर 20 साइन 3/4 1/4 बाहर ले लिया, ओके, तो 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20, ये फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का, किसका फार्मूला बन गया साइन 3 थीटा का, तो 1/4 साइन 3 थीटा से ये 23 या 60 हो गया, वैल्यू रख दी तो ये आ गया, तो ठीक है, ये तो ठीक ही है, बट जो आपको मैंने मेथड बताई उसमें चुटकी बजा के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ओके, तो आज की क्लास यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं, कल आएंगे इसके हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन, नमस्कार।